क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इस जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर हम आपको नई दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपके प्रति सत्कार है। और हम नए नए विषय प्रतिदिन लेते हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है कि आपके नकारात्मक सोच या सकारात्मक सोच में बदले, आप अच्छे इंसान बदलो, आप अच्छे इंसान बनो। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको किसी न किसी सूरत में सुधारना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि भाव कर्म द्रव्य कर्म। भाई और बहनों, भाव और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य भाव भेदानी। द्रव्य होता है वह दिखाई देता है, और द्रव्य जड़ है। जड़ वह होता है जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है, मिलता है, जुड़ता है, इसी का नाम संसार है। इसलिए कहा गया है जो संचरण करता है उसको संसार कहते हैं। संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। ये जो है वो द्रव्य के कारण है, ये जो है जड़ के कारण है, ये वस्तु के कारण है। क्योंकि वस्तु द्रव्य है, वह जो जड़ है वह विनाशी है, और जो भाव पक्ष है वह चेतना की शक्ति है। भाव चेतना से जुड़ा हुआ है, चेतना का अंग है, इसलिए हम उसको चेतना का अंश कह सकते हैं। जैसे चित्त है वह हमारी चेतना की शक्ति है, भाव है हमारी चेतना की शक्ति है। भाव भीतर रहता है और द्रव्य जो है वो बाहर दिखाई देता है। तो कर्मों की भी दो कैटेगरी हो गई। जो कर्म हमें दिखाई देते हैं, मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह नियत है, वो द्रव्य कर्म से संचालित होती है। देखिए, द्रव्य कर्म को भाव कर्म, तो भाव जो है हम भावों की कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अच्छे बुरे, हम भाव को तीन कैटेगरी में रखते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। और जो हमारा द्रव्य पक्ष है, उस द्रव्य पक्ष के अंदर आठ कर्म, उसकी 148 प्रकृति जो है प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां हैं, वो भाव से पैदा हुआ। देखिए, मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि द्रव्य पक्ष की तरफ आता हूं कि जो हमारी ये द्रव्य कर्म कौन कौन से हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र, अंतराय, और इसकी 148 प्रकृतियाँ। इसीलिए कहा गया है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हम भक्ति मार्गी बन गए। हमने हमारे सारे दोष, हमारा अस्तित्व, हमारा मालिकी हक जो है, हमारा मालिकी भाव है, वो प्रभु को समर्पण कर दिया। कौन सा प्रभु? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। हमारे आत्मविज्ञान का जो प्रभु है वो भगवान है, वो भीतर बैठता है। बाहर के सब प्रभुओं की हम प्रार्थना करते हैं और उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, लेकिन जो हमारी प्रार्थना है वो हमारे भीतर के प्रभु से, वही हमारा गुरु है, वही हमारा भगवान है और वही ईश्वर है, ये हमारा लक्ष्य है। ये द्रव्य कर्म सारे होते हैं, ये उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं, और जब भाव कर्म किए जाते हैं तो ये द्रव्य कर्म जो है चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है प्रकृति, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग। प्रकृति का अर्थ हुआ आठ तरह के कर्म,
ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र अंतराय, इसमें से चार घाती कर्म है, चार अघाती कर्म है। घाती कर्म है प्योरली पाप कर्म है वो, क्योंकि वो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा के ऊपर पर्दा डालते हैं, आत्मा के जो एट्रीब्यूट्स है उसकी जो क्वालिटीज है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रकाश में नहीं आने देते। कैसे प्रकाश में नहीं आने देते हैं कि सूर्य जो है वो तो चमकता हुआ अनंत शक्ति वाला है और अनंत प्रकाश वाला है, उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, घने बादल थोड़े बादल, तो घने बादल आने से सूर्य ग्रहण टाइप हो जाता है, सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है और रात हो जाती, कभी बारिश का समय होता है, घने बादल जो है वो सूर्य के सामने आ जाते हैं, तो घने दोपहर में भी हमको लगता है कि रात हो गई, अंधेरा सा लगता है। तो इस तरीके के ये आवरण हैं, वो चार बड़े बड़े आवरण हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं जिनको कि हम घाती कर्म कहते हैं। द्रव्य द्रव्य घाती कर्म है, वो है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म जो है हमारी आत्मा की घात क्या कैसे करता है कि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, तो ये ज्ञानावरणीय कर्म है, इसके ऊपर एक पर्दा आ गया, आँख पर पट्टी के समान है, आँख पर पट्टी बंधी हुई होती है, आँख में देखने की शक्ति होती है लेकिन व्यक्ति बाहर के संसार को देख नहीं पाता है, तो ज्ञानावरणीय का जो पर्दा आता है ज्ञान के अनंत ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। मतिश्रुत अवधि मन प्रयोग केवलानी, पाँचों ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है, या वो धीरे धीरे जब डाइल्यूट होता है तो प्रकट होने लगता है। हम नया कुछ नहीं करते, अनंत ज्ञान भीतर पड़ा, पर्दा हटा दो, ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञान हाजिर हो जाएगा। और ये पर्दे से हमको क्या नुकसान होता है कि हमको समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं और रिटेंशन नहीं होता है, उसको ज़्यादातर रोक नहीं पाते हैं, धारणा नहीं कर पाते हैं उस ज्ञान की, और वो ज्ञान हमारा श्रद्धा पैदा नहीं करता है। तो इस तरीके से ज्ञान के बारे में जो है हम बिल्कुल जो कहना चाहिए वो हम वंचित रह जाते हैं ज्ञानावरणीय कर्म से। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म है, वो हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो हम धर्म में ज्ञान में और अध्यात्म में और आत्मरंजन में हमारी दिलचस्पी नहीं होती है। जो दर्शनावरणीय कर्म वाले हैं उनको जब सत्संग होगी तो तुरंत नींद आ जाएगी, और दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृति के अंदर पांच प्रकृतियां नींद की भी है, तो इसलिए जो हमारा अवधि दर्शन मन दर्शन केवल दर्शन और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इनको रोक लेता है ये, तो ये नौ तरह की जो सी इनकी जो उत्तर प्रकृतियाँ उसको रोकती है, और दर्शनावरणीय कर्म को जो है हम एक जो है पुजारी के रूप में देखते हैं। पुजारी क्या करता है कि भगवान के जब दर्शन करने के लिए हम जाते हैं तो पुजारी वो पर्दा डाल देता है, वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु भगवान के पट जो है वो बंद हो गए। एक बड़ा इस पर एक जोक आता है कि किसी पुजारी को किसी व्यक्ति ने पैसे दिए तो वह भगवान के दर्शन करा देता है विष्णु के और लक्ष्मी के और बंद कर देता, कोई दूसरा व्यक्ति आता है कि भगवान के पट बंद हो गए तो उन्होंने कहा जब 100 रुपये का नोट दिखाता है तो वह वो पट खोल देता है, वो क्या कहता है लक्ष्मी ने पट खोल दिए, लक्ष्मी दिखा दी तो भगवान के पट खोल दिए। तो ये हमारा जो दर्शनावरणीय कर्म है ईश्वर के प्रति ज्ञान के प्रति भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता, रुचि पैदा नहीं होने देता। अब इसके कर्म बंधन के कारण भी है, मैं उस पर अगर लंबा जाऊंगा तो एपिसोड पूरा हो जाएगा पूरा, मैं द्रव्य और भाव की जो है वो परिभाषा और उसका भेद नहीं कर पाऊंगा, उसका उपयोग नहीं बता पाऊंगा, उसके लक्षण नहीं बता पाऊंगा। तो ये दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा मोहनीय कर्म होता है, वो शराबी की तरह होता है। शराबी जो होता है मदोन्मस्त होकर के वो नाली में पड़ जाता है, सड़क पर पड़ जाता है, उसको भान ही नहीं रहता है कि मेरे पे कोई वाहन चलेगा, या उसको बदबू बदबू कुछ नहीं आती, और घर पे जब शराब पिया हुआ आता है उसके सामने उसको ज्ञान ही नहीं है कि मेरी सामने पत्नी खड़ी है कि माँ है कि बेटी है कि दादी है कि नानी है, वो भान भूल जाता और अनर्गल बोलता है। उसी तरीके से जब मोहनीय कर्म पर मर पर छा जाता है, मैं और मेरा, मैंने पिया मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे,
स्वार्थ में चला जाता है कि जो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, और मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं बड़ा वकील, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, और यूं करते करते वह सारा जीवन उसके अंदर डाल देता है। ये मोहनीय कर्म है, ये मोह का संसार है, ये मोह का जितना बुराइयों का संसार है, राग द्वेष का संसार है, वो मोहनीय कर्म है। और चौथा होता है हमारा अंतराय कर्म, बाधा। हम किसी को बाधा देते हैं तो ये अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। बाधा होती है वो हमारा क्या होता है कि हम जो है वह भोग उपभोग वीर्य और दान, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, पांच तरह की हम किसी को बाधा देते हैं। किसी को दान करने वाले को दान देने से रोक लेते हैं, ज्ञान देने वाले को रोक लेते हैं तो ज्ञान की बाधा पड़ती है, दान वाले को रोक देते हैं तो हमारे पे जो है वो बाधा पड़ती है, मोहनीय कर्म की बाधा पड़ जाती है और दर्शनावरणीय कर्म की बाधा पड़ जाती है। तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य जो है ये बाधा है, ये बाधा जब ये ज्ञानावरणीय कर्म हटता है, दर्शनावरणीय कर्म हटता है, मोहनीय कर्म हटने लग जाती है ऑटोमेटिकली। और ये हटता कब है कि जब बाधा टूटती है। तो बाधा के टूटने से ये तीनों टूटते हैं तो बाधा जो है वो हमारा ये जो हमारा अंतराय कर्म आपस में जुड़े हुए हैं ये ऑटोमेटिकली टूट जाती है, ये आत्मा की घात करते हैं। और शरीर से जुड़े हुए होते हैं वो पुण्य पाप दोनों तरह के होते हैं, वेदनीय कर्म, वेदनीय शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, सातावेदनीय सातावेदनीय, और जो है नाम कर्म की 108 प्रकृतियाँ हैं वो हमारा जितना भी जो है गति जाति इंद्रिय वर्ण गंध रस स्पर्श और शुभ अशुभ, ये दो तरह का होता है, इसकी 103 प्रकृतियाँ हैं। और शुभ प्रकृति भी उच्चतम सीमा तक की है कि जो हमारे तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है वो भी शुभ जो है हमारा नाम कर्म है। तो ये बहुत बड़ा खाता है नाम कर्म का, ये शुभ अशुभ दोनों होता है। और आयुष्य कर्म होता है, वो शरीर से जुड़ी हुई बात करता हूँ, वो ये नरगति तिरंज गति मनुष्य गति और देव गति, चारों तरह का जो आयुष्य, दो तरह के अच्छे होते हैं मनुष्य देव और दो तरह के बुरे होते हैं। तो वो ये अच्छा और बुरा जो है वो हमारा जो है वह हमारा आयुष्य कर्म होता है, शुभ और अशुभ होता है। और उसके बाद में गोत्र कर्म होता है, वो भी शुभ और अशुभ होता है, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र, अच्छा सोशल स्टेटस, अच्छे घर में जन्म लेना, अच्छे परिवार में जन्म लेना, अच्छे माता पिता पत्नी बेटे मिलना, वो जो है हमारा शुभ गोत्र होता है। और उसके विरुद्ध जो है वो हमको झुग्गी झोंपड़ी, हमको गरीब के घर में जन्म लेना, अशुभ गोत्र कहलाता है। तो भाई और बहनों ये चार शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म, चार आत्मा से, ये द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म को पैदा करने वाला ओरिजिन है गंगोत्री भाव, वो मैं उसके ऊपर आपको लेना चाहता हूँ कि गंगोत्री शिव की जटा में है। तो वो शिव की जटा में गंगा बैठी है, गंगोत्री है। तो राम के वंशज भागीरथी जी ने जो हरिद्वार के अंदर बड़ी तपस्या की और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और क्या क्या कहा, शिव जी आपकी जटा में से गंगा को पूरे हिंदुस्तान में बहाइए ताकि पापियों का उद्धार हो सके, पापियों के पाप जो है गंगा के अंदर धुल जाए। और गंगा जल इतना पवित्र होता है कि हमारा अंतिम समय होता है तो हमको गंगा जल पिलाया जाता है, और ऐसी मान्यता होती है कि गंगा जल पीने से सदगति होती है, वो पुण्य का जल होता है। तो भाई और बहनों ये गंगोत्री हमारे भाव है, भाव जो है वो हमारा अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन संचालन सब भाव से ही होता है, भाव से विचार, विचार से आचार, आचार से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से पहचान होती है। तो सारा कुछ होता है वो भावों से ही होता है। तो हमने ये जो पिछले जन्म में जो भाव किए थे वो इस जन्म में द्रव्य कर्म बन जाते हैं। हमारा जितना भी चिंतन है वो सारा भाव कर्म से जुड़ा हुआ है। मैं आपको भाव कर्म का पूरा जो है एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि ये भाव कर्म पैदा कैसे होते हैं। देखिए कि हमारे पूरे जन्म जन्मांतर के अंदर ये कर्म शरीर और आत्मा दोनों फेविकॉल की तरह आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़ गए। इनको प्रकृति और पुरुष भी कहा जा सकता है। हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो तो पुरुष है, और जो कर्म है वो हमारा
जो कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कर्म शरीर है, कर्म है, वो है हमारी प्रकृति। तो ये पुण्य, ये जो हमारा जो पुरुष है, पुरुष के ऊपर क्या हुआ कि इस प्रकृति की झलक पड़ गई, और झलक पड़ने से जो है पुरुष अशुद्ध हो गया, तो उसकी तरफ मोहित हो गया, लुब्ध हो गया। इस कारण से ये दोनों जन्म ले लिया, प्रकृति और पुरुषार्थ में रहते हैं। और उद्देश्य यही होता है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, यानी पुनः पुरुष बनना। जब ये जीव जो है इस ब्रह्म के अंदर समय जो ब्रह्म हम ब्रह्माष्टमी हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो उसका छुटकारा हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो हमारा हमारा जो शरीर और हमारी आत्मा और हमारा ये कॉजल बॉडी, वही ये स्थूल शरीर बनाता है। ये दोनों मिले होने के कारण के अंदर कभी जो है हमारा जो उदय और प्रारब्ध होता है, जब ये कर्म सक्रिय होता है, और हमारा जब भाव सत्ता, प्योर भाव सत्ता होती है, तो क्षोभ सम पैदा होता है, वो हम आत्मा की शक्ति को कहते हैं। दोनों के अंदर मल युद्ध चलता रहता है, एक में क्षोभ सम होता है और एक के अंदर जो उदय भाव होता है। तो जब हमारी आत्मा हावी हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारा क्षोभ सम शुभ भाव जो है वह यहाँ से निकल करके और वो हमारा बाहर आता है, दोनों के जो है दोनों के ग्रुप से बाहर आकर के अध्यवसाय बनता है। ये अध्यवसाय हर जीवित प्राणी का होगा, पेड़ पौधा हर एक के, एकेंद्रिय के भी अध्यवसाय होता है। इन अध्यवसाय से कर्मों का बंधन करता है और अध्यवसाय से कर्मों की निर्जरा करता है। अध्यवसाय हर प्राणी में होता है, लेकिन जो है आगे जा कर के मन वगैरह जो है, भाव है हमारा, आगे हम चल के देखेंगे अवचेतन मन है, वो मन हर एक प्राणी में नहीं होता है, लेकिन ये हमारा अध्यवसाय हर प्राणी में होता है। जब ये शुभ भाव अध्यवसाय को टच हो गए, तो ये शुभ भाव जाकर के आगे हमारे अवचेतन मन जो होता है, जो हमारा ल्यूमिनस बॉडी है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको टच होना होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज है, इस तरफ तो हमारा जो स्थूल शरीर है, इस पर काम करने वाली सत्ता चेतन मन है, जो चित्त से जुड़ा हुआ है। चित्त जो है इस शरीर का मालिक है, चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। आत्मा अनंत चित्तों वाला, यानी हर एक को एनर्जी आत्मा से मिलती है, एक एक कोशिका को एनर्जी आत्मा से मिलती है, इसलिए 60 खरब कोशिकाएँ अपने आप में, प्रत्येक कोशिका एक पूरा जो है पावर हाउस है, और एक पूरा अपने आप इंसान बनने की एक एक कोशिका में योग्यता है। क्लोन के माध्यम से अगर उसको मनुष्य की एक कोशिका को निकाल कर कल्चर मीडिया में सुरक्षित होकर के किसी मादा की गर्भ के अंदर वो क्लोन को प्रस्तावित कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसको वही कंडीशन मिलनी चाहिए जो कि एक बच्चे को पैदा होने मिलती है। तो वो भ्रूण 9 महीने के बाद में जिसकी वो कोशिका उसका हूबहू शक्ल सूरत सीरत उसके जैसी मिलती रहती है, लेकिन उसके कर्म अलग होते हैं, क्योंकि वह आत्माएं दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कर्म वाली है। तो भाई और बहनों, अध्यवसाय और उसके बाद के अंदर अवचेतन मन, अवचेतन मन के अंदर जो शुभ भाव आ रहे हैं वो कलर हो जाते हैं। अध्यवसाय तक तो कलरलेस थे, और जो ही उन्होंने टच किया हमारे, उसके बाद के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड को, ल्यूमिनस बॉडी को, वो बहुत बड़ा कारखाना और रूपांतरण होता है, तो वहाँ पे कलरफुल हो जाती, जिसको कलरफुल लेशिया कहते हैं, वो होती तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, क्योंकि ये शुभ भाव निकले हैं, ये हमारे क्षोभ सम से निकले हैं, इसलिए शुभ भाव है। तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, तेजो लेशिया होती है वो अरुणिमा कलर की होती है, सूर्य उदय होता है तो गुलाबी रंग की होती, पिंक कलर की होती है, और ये हमारे भीतर जो है एक अजीब जो है आनंद की उत्पत्ति करती है, आनंद ही आनंद पैदा होता है हमारे भीतर। और उसके बाद में दूसरी तरह की अगर लेशिया जो है पद्मलेशिया का उदय होता है, तो पद्मलेशिया के द्वारा जो कि हमारे जो है जो हल्दी के जैसे पीले रंग की होती है, तो पद्मलेशिया के प्राप्त होने से हमें जो है वह अभूतपूर्व शांति की अनुभूति होती है। और तीसरी शुक्लेशिया, ये कलर्ड होती है, ब्राइट कलर होते हैं, प्योर वाइट और प्योर येलो और प्योर जो है पिंक कलर ब्राइट होता है। जब जो हमारे भीतर से और भी शुभ भाव होते हैं, तो हमारी शुक्लेशिया आती है वाइट कलर की,
और वाइट कलर की लेशिया जो है वो एकदम प्योर हो जाती है, प्योरिटी फॉर्म होती है। ये बहुत बड़े संतों में और जो मोक्ष के नज़दीक पहुंचे हुए लोग होते हैं उनमें ही पैदा होती है। नॉर्मल व्यक्ति के जो है ये दूसरी तेजो और पद्म लेशिया ही होती है और ये शुभ भाव देती है। शुभ भाव हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ जाते हैं और सारे शुभ भाव जब इकट्ठे होते हैं हर वक्त हम कॉज डालते हैं तो पिछले जन्म में हर वक्त जब हमने कॉजेज डाले तो कॉजेज इकट्ठे होते कॉजल बॉडी हो जाती है और कॉजल बॉडी इकट्ठे होकर के हम पुनर्जन्म लेते हैं तो इस जन्म में हमारे वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। तो भाव तो हमारी सत्ता जो पूर्व जन्म में अर्जित किया था और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन जाते हैं तो भाव से द्रव्य बनता है और भाव बनते भी द्रव्य से जा कर के, ये पूरा एक सर्किट है, द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य, ये जो है साइकिल चलती रहती है। तो भाई और बहनों हम ये कहना चाहते हैं कि तीन तरह के भावों की हम चर्चा गहराई से करेंगे कि देखिए एक तो था हमारा अशुभ भाव, ये अशुभ भाव हमने जो किया है वो हमारा आगे जा कर के प्रारब्ध और आगे जा कर के हमारा उदय भाव बनता है क्योंकि ये प्योर जो है अशुभ होने के कारण जो है ये हमेशा हिंसा के भाव वाला और ये हमारा पाप के परिणाम देने वाला होगा। तो ये न किया जाए ये अच्छी बात है। दूसरा अध्याय हमारे शुभ भाव, हमने जो आपको तीन तरह की लेशियाएँ बनाई तो शुभ भाव यानी जितना भी धार्मिक प्रवृत्ति हम करते हैं, मंदिर जाना है, सामाई करना है, जप करना है, तप करना है और दूसरा है 12 तरह के भेद हैं धार्मिक क्रिया के, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। ये 6 तो बाहर के निर्जरा के और तप के भेद हैं और भीतर जब ज़्यादा गहरी निर्जरा करनी हो, बड़ी साधना करनी हो, बड़ा तपस्या करनी हो तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ये करते करते हम जो है मुक्ति को जा सकते हैं। धार्मिक क्रिया है, ये शुभ क्रिया है, ये शुभ भाव है। शुभ भाव के अंदर क्या होता है कि साथ साथ में पुनः हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य होता है, पुण्य का बंध ऑटोमेटिकली हमको जो है ये गेहूं के साथ में खाकले के रूप में बाई प्रोडक्ट में मिलता है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको गेहूं की खेती करनी है, गेहूं की खेती हमने बो दी और जब समय आता है तो फसल तैयार हो जाती है तो हमारा उद्देश्य था गेहूं की फसल करने पर उसके साथ खाकला होता है। जब हम उसको उसकी छटनी करके उसकी सफाई करते करते हैं तो खाकला अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। खाकले के लिए जो है हमने खेती नहीं की थी, हमने खेती गेहूं के लिए की थी, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो हमारी शुभ प्रवृत्ति है ये गेहूं का बोना गया और उसके साथ के अंदर शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर हमको जो है ये पुण्य अवश्य मिलता है। उस पुण्य को भोगने के लिए हमें मनुष्य जीवन के अंदर या बहुत बड़े पुण्य जो कि मनुष्य नहीं भोग सकता है वो देव योनि में जाता है। देव योनि में कहा जाता है कि वहाँ पर जो है हर वक्त पुण्य छाया रहता है और पुण्य कभी घटता नहीं है क्योंकि पुण्यशाली आत्माएं वहाँ जन्म लेती है। लेकिन वो पुण्य का मात्र भोगने का होता है, वो कर्म काटने का नहीं होता है। तो बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे मुनि होते हैं तो वो भी केवल पुण्य भोगते हैं तो उनको बड़ी शंका होती है, मन के अंदर जो है एक ग्लानि सी होती है कि हम ऐसे कर्म भोगते रहेंगे तो और हमारे नए कर्म बढ़ते रहेंगे। ये सोने की बेड़ी है, वो उसको काटना चाहते हैं, वो मनुष्य भाव में आना चाहते हैं। यानी पुण्य हमारी सोने की बेड़ी है, पाप हमारी लोहे की बोड़ी है, हमको मुक्ति जाना है, दोनों काटना पड़ेगा। तो ये हमारा शुभ भाव। मैं जो अब निष्कर्ष पे आता हूँ सारी द्रव्य और भाव कर्मों को बताने के लिए आता हूँ तो मैं निष्कर्ष की बात के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि आप शुद्ध भाव करो। शुद्ध भाव शीघ्र आत्मा तक पहुँचने का जरिया है, शीघ्र मोक्ष तक जाने का जरिया है। ये अक्रम विज्ञान है। अक्रम विज्ञान और क्रमिक मार्ग में क्या है कि क्रमिक मार्ग में मोक्ष के जो 14 गुणस्थान है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाता है शुद्धिकरण की ओर। अक्रम विज्ञान जो पुण्यशाली जीवों को मिलता है और ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही वर्षों के बाद 10 लाख साल के बाद में अभी ये खड़ा हुआ दादा भगवान के जो है वो
वो पुण्य प्रकट हुआ, ये हमारा जो है अक्रम विज्ञान, और ये 250 वर्ष तक चलेगा, फिर क्रमिक विज्ञान आ जाएगा। ये जो जो भाग्यशाली जीव होते हैं उनको ही ये विज्ञान मिलता है, उनको ही ये ज्ञान मिलता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके वो शुभ, इनकी मुख्य विशेषता ये है कि शुद्ध अवस्था में आते हैं, शुद्ध भावों पर ही जोर देते हैं। शुद्ध भाव क्या है? सीधा, क्या ये लिफ्ट है और ये हेलीकॉप्टर है, ये लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सीधा कहता है कि शुभ अशुभ को छोड़ के शुद्ध पे आ जाओ, ये इनका मुख्य कार्य। शुद्ध भाव क्या है? 5 आज्ञा शुद्ध भाव है, रिलेटिव रियल अकर्ता भाव, अमालिकी भाव तीसरा, और चौथा है संभाव, और 5वां जागृति है। इनको करते थे करने से शुद्ध भावों की प्राप्ति होती है, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा में ही रहना होता है, ज्ञाता दृष्टा का ही चिंतन करना होता है, और जो हमारा प्रारब्ध और पुण्य जो चल रहा है उसको जो है उपेक्षा करो, इसमें उस जो है हमारा जो चल रहा है उसकी उपेक्षा की जा रही है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हमको भी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जब वक्ता को श्रोता उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, श्रोता उसको ग्रहण करते हैं, तो वक्ता को आनंद की अनुभूति होती है, और ये तो ज्ञान है, ज्ञानदान महादान होता है, इसका खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो ईमेल आईडी, हमारा वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से लोगों को बताइए, और आप भी जुड़िए, औरों को जोड़िए, अपनी जिज्ञासा भेजिए, आपको हर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सबकी जिज्ञासा का समाधान होगा, और सबको हम जो है अच्छा सु आत्मविज्ञान का अच्छा ज्ञान देंगे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।